व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथि को स्थगित करने को लेकर आंदोलन कर रहे परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महासंघ एकीकृत पदाधिकारी राठौड़ आज धरना स्थल पर देर शाम आए और उन्होंने व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथि को आगे बढ़वाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों का पूर्ण समर्थन किया और उनके द्वारा कहा गया कि विद्यार्थियों की यह मांग जायज़ है और सरकार को इस पर स्वयं संज्ञान ले लेना चाहिए। उनके सहयोगी के रूप में आए एक पदाधिकारी ने बताया कि सूत्रों के हवाले से उसे पुख्ता सबूतों के सहित खबर मिली है कि अब व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ना तय है, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट न्यूज़ से ये पता लगाया है कि क्योंकि उनके कुछ सहयोगी आरपीएससी में कार्यरत थे तो उनके द्वारा बताया गया कि अब आरपीएससी ने भी अपनी कार्यवाही रोक दी है, अर्थात परीक्षा के संबंध में आरपीएससी ने अपनी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उनको रोक दी हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है आज शाम की, क्योंकि आज ही परीक्षार्थियों के द्वारा सद्बुद्धि महायज्ञ कराया गया था, सुबह से आमरण अनशन पर बैठे थे परीक्षार्थी, तो उनके लिए बड़ी राहत देने वाली खबर हो सकती है कि आरपीएससी ने अपनी तमाम प्रक्रियाएँ रोक दी हैं। आइए सुनते हैं राठौड़ के साथ आए महासंघ एकीकृत पदाधिकारी के बयान। सचिव जयपाल, रेणु जयपाल, डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी की बहन है और अजमेर के ही है, वो अमर से 4-5 किलोमीटर दूर ही है, उनका नानेरा भी पास में है, वो वहीं पे है जो सचिव है आरपीएससी। बीते 10 दिन से सरकार से आरपीएससी और चेयरमैन सरकार से कह रही है कि आप अपना रुख स्पष्ट करें, भले ही आरपीएससी ने परीक्षा की तैयारी कुछ करी हो कर ली हो, लेकिन आज की अभी की घटनाक्रम है आरपीएससी को रोक दिया गया है। ये 100% पुख्ता न्यूज़ है, अधिकारी माननीय से बात हुई है, आरपीएससी ने अपना काम रोक दिया है। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री तो अपने साथ है ही, और आज जो राठौड़ साहब सद्बुद्धि यज्ञ हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है। महासंघ पदाधिकारी राठौड़ ने भी स्पष्ट रूप से ये घोषणा की कि यदि सरकार जल्द से जल्द परीक्षार्थियों की मांगों को नहीं मानती है तो वो भी धरना स्थल पर बैठ जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो रोज आकर के और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं का जायजा भी लेंगे। इसी के साथ में राठौड़ ने ये भी कहा कि सरकार से वो लगातार वार्ता भी करेंगे और पक्ष और विपक्ष सभी को उनकी मांगे मनवाने के लिए सहमत भी करेंगे। आइए सुनते हैं महासंघ पदाधिकारी राठौड़ के बयान। कि मैं बहुत बुरी तरह से भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही गैरजिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, क्योंकि राजस्थान के युवा और बेरोजगारों की एक तरफ राजस्थान की सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो बेरोजगार है उनके साथ कुठाराघात किया जा रहा है। तो अब स्पष्ट है कि यह आंदोलन अपने उग्र रूप में आ चुका है और कल तक यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है कि सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई बयान आता है या नहीं आता है, क्योंकि कल संभावना जताई जा रही है कि पक्ष और विपक्ष से कुछ बड़े नेता धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करने से मना कर चुका है, क्योंकि आंदोलनकारी शांतिपूर्वक विश्वविद्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। इसके चलते अब कल कुछ प्रदर्शनकारियों को राहत भरी खबर सुनने को मिल सकती है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही है हमारे इस ज्ञानदार हरसोली चैनल के साथ में, और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम अपडेट्स समय पर आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक सूचनाएँ आप तक समय पर पहुँचती रहें। इसी के साथ में साथ यदि आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल द्वारा कुछ लाइव क्लासेस चलाई गई हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लासेज हैं, इनका एक बार आप अध्ययन करके अवश्य देखिए, इसके बाद में आप स्वयं महसूस करेंगे कि इससे आपकी पाठ्य सामग्री कितनी सरल हो जाती है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ जा करके इनसे संबंधित प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। आज के इस पाठ में साथियों बस इतना ही, नमस्कार।